हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ये बेस्ट टेरिबल का बोर्ड है जो कि इको एंड माइक के साथ हमें यहाँ पे मिलता है। इसमें हमें बेस टेरिबल विथ ये वॉल्यूम का नॉब है एंड इसके साथ में माइक कनेक्टर भी दिया हुआ है। ये एमवी कलेक्शंस का बोर्ड है जिसे मैंने मंगवाया है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बोर्ड ये दिख रहा है मुझे। जब भी आप एम्पलीफायर बनाएंगे तो इस बोर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। बेस टेरिबल वाला बोर्ड जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, इस बोर्ड को आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपको माइक कनेक्शंस भी मिल जाएंगे। ये देखिए, आप बहुत बड़ा पिन दिया हुआ है, ये ऑलरेडी ये माइक कनेक्ट होके आ रहा है। ये वॉल्यूम का नॉब है, ये है आपका बायस एंड टेरेबल का, ये इको एंड डीले का। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अब इसमें बोर्ड में कनेक्शंस हम देखेंगे। ये यहाँ पे देखिए, पावर सप्लाई -15 एंड +15 डुअल पावर सप्लाई का बोर्ड है। इसमें आपको मिनिमम 12.0.12 देना है डीसी वोल्टेज। मिनिमम 12.0.12 से 15.0.15 तक का आप इसमें डीसी वोल्टेज देंगे। डुअल पावर सप्लाई है ये। पावर सप्लाई जैसे आप देंगे तो बोर्ड आपका ये ऑन हो जाएगा। एंड इसमें साउंड इनपुट के लिए आपको देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये माइक के साइड वाला, यहाँ पे इसके साइड पे लिखा भी हुआ है नीचे में, अगर आपको दिख रहा होगा, ऑडियो इनपुट जो कि छुप गया है, ये आपको ऑडियो इनपुट देना है यहाँ पे। इसके साथ में मुझे ये कनेक्टर्स भी मिले हैं। इन्हीं कनेक्टर का यूज करके आप यहाँ पे ऑडियो इनपुट देंगे। ये देखिए, ये आपका ऑडियो इनपुट। ऑडियो आउटपुट जो होगा आपका यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड में ऑडियो आउट लिखा हुआ है, यहां से जाएगा आपका ऑडियो आउट। ये ऑडियो इनपुट सेंटर में, इसका माइक के साइड वाला पॉइंट जो है, ये है ऑडियो आउटपुट जो कि एम्पलीफायर में जाएगा आपके, इससे भी ये इनपुट हो जाएगा ऑडियो का। ये वॉल्यूम का नॉब है एंड ये इसका माइक कनेक्टर। इसमें एक एक्स्ट्रा पिन आउट दिया हुआ है, माइक आउट एक्सटर्नल। अगर आप माइक और लगाना चाहे सॉकेट, इसमें भी लगा सकते हैं पैरेलल कनेक्शंस के साथ। सेम माइक यहाँ पे आप इसमें वायर में पैरेलल जोड़ दीजिए तो एक सॉकेट और लगा सकते हैं आप, या फिर अदरवाइज यहाँ पे भी आप ये वायर एक और दिया हुआ है, यहाँ से पिन आउट लेके आप माइक के एक कनेक्शन और कर सकते हैं। तो आइए इसके कनेक्शंस कर लेते हैं हम, उसके बाद इस बोर्ड को चेक करके देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस बोर्ड पे हमने डीसी सप्लाई दिया है 15.0.15। आप 12.0.12 मिनिमम दे सकते हैं, जो कि आपका ये इधर ट्रांसफार्मर से आ रहा है। ये आपका जो है ऑडियो इनपुट है, ये मोबाइल से मैंने ऑडियो इनपुट दिया है इस पर। यहाँ पे देखिए, ये ऑडियो इनपुट है, ये है ऑडियो आउटपुट जो कि हमारा एम्पलीफायर में जा रहा है। ऑडियो आउटपुट, ऑडियो इनपुट। ये वॉल्यूम का नॉब है एंड ये माइक को कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे सॉकेट से। आइए इसमें हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं, NCS का म्यूजिक प्ले करेंगे, देखते हैं बोर्ड की परफॉर्मेंस कैसी है। सॉरी, बोर्ड को तो ऑन किया ही नहीं हमने, इसे ऑन करना पड़ेगा पहले। बोर्ड ऑन हो चुका है, म्यूजिक प्ले कर दिया हमने। इसका वॉल्यूम नॉब है, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। ये इसका बेस का नॉब है, बेस को कम करते हम टेबल को बढ़ाते हैं।
बहुत बड़ी आउटपुट है। अब इसमें देखिए, अब माइक कनेक्शन है हमारा ऑलरेडी। माइक को अब इसके साथ में ऑन चालू कर रख सकते हैं। ये माइक है, इसे जैसे ही हम ऑन करेंगे, हेलो 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 माइक चेक 1 2 3। देखिए आप यहाँ साउंड के साथ में माइक को यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इको एंड डिले आ रहा है। आप यहाँ से इको कम ज्यादा कर सकते हैं। हेलो हेलो, जैसे ही आप होम थिएटर बनाएंगे तो उसमें आप इस बोर्ड को यूज करेंगे तो आपको बेस टेबल के साथ साथ माइक कनेक्शंस के लिए भी इसमें इनपुट मिल जाता है। अलग से आपको माइक के लिए बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो हेलो। इसमें ये डिले है, इसका ये इसका इको है। हेलो तो वायरिंग कैसी लगी आपको? बोर्ड की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक और पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू। Thank you.